साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब। ये नाम अमोलक चीज है, बहुत अमोलक चीज है। इस तरह ये नाम का सृजन महापुरुष की सुरती में है। ये वाणी का विषय नहीं है, ये वाणी का विषय नहीं है। आज दुनिया जो नाम जप रही है, कह रही हम संसार से पार हो जाएंगे, नहीं, साहब ने अपेक्षा किया जो नाम हमें संसार सागर से पार करने वाला है, ये 52 अक्षरों का नहीं है। वो नाम गुप्त नाम गुरबिन नहीं पावे, अकह नाम सदगुरु बताए। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। आगे बड़ा क्लियरेंस दे रहे हैं साहेब अपनी वाणी में, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है जाने बिरला कोए। जब लग गुप्त नाम ना पाए तब तक काल हटा न माने। काया नाम सबे गौर आए, विदेह नाम को बिरला पाए। नाम विदेह और शब्द विदेया दोनों लख तब मिटे संदेया। अब ये सिस्टम संत की सुरती के अंदर है। आया कहां से? यदि हम त्रिकाल में अतीत में वाणियों से भी देखते हैं तो ये क्षमता किसी के अंदर मिली नहीं है। कोई योग बोल रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई साधना बोल रहे हैं, कोई तप बोल रहे हैं, कोई उपासना बोल रहे हैं, ऐसी गारंटी कहीं नहीं मिल रही है जो गारंटी हम दे रहे हैं। ये ललचाने वाली बात नहीं है, आप पारख रखें। इस आत्मदेव में बड़ी चेतना है। साहेब भी वाणी में कह रहे हैं, ये पारस सूरत आई कहां से? पारस सूरत संत के पास आ। क्या सिस्टम है ये? साहेब वाणी में भी कह रहे हैं, चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई। भंग जो कीट को पलट भ्रंगी करे, आप संग रंग दे ले उड़ाई। मुझे कभी कभी घोर आश्चर्य होता है, कुछ लोग मिलते हैं, गोष्ठियां करने आते हैं और अंदर की साधनाओं की बात बोलते हैं। कभी कभी कुछ लोग आकर कहते हैं अमर लोक पहुंच चुके हैं, हम परम धाम पहुंच चुके हैं, सचखंड पहुंच चुके हैं। मैं किसी पर व्यंग कर नहीं रहा हूं, शैली नहीं है मेरी। जब मैं उनसे कहता हूं भैया थोड़ा शांत रहो, बातचीत तो करें, जब वो बातचीत करते हैं तो पहले अपने अनुभवों को बोलते हैं, फिर अटक जाते हैं। किसी ने अंदर में थोड़ा प्रकाश देखा तो कहता है बस इतना आनंद है, पहुंच चुका हूं, रहता ही बाहरी दुनिया में हूं महाराज, सभी लोक लोकांतर मैंने देख लिए। मैं कहता हूं सुनो, अगर आप यथार्थ में अंतर जगत और अमर लोक का भ्रमण कर रहे हैं तो भाई इसकी पुष्टि, इसका प्रमाण भी तो दिया जा सकता है। तुम मुझे प्रमाण दो तुम कैसे कैसे गए। किसी पंथ के एक साधक ने आकर मुझे कहा कि अमर लोक की यात्रा किया, मैं सब चीज जानता हूं। मैंने उससे कहा पहले तो मैं उसको देख करके, उसकी पर्सनालिटी को देख करके,
उसके पहनावे को देख करके काफ़ी ज्ञान हो जाता है, लेकिन कभी कभी बाहरी चीज़ों से आदमी के व्यक्तित्व का पूरा ज्ञान नहीं होता है। कुछ कुछ लोग शक्ल सूरत से इतने खतरनाक दिखते हैं, मसल्स या दाढ़ी बाल रहने का तरीका इतना डेंजर लगता है कि पहली नज़र में हमारा मन कहता है ये बहुत खतरनाक आदमी होगा, पर ये सही नहीं है। कभी कभी कुछ लोग इतने शिष्ट, इतने गंभीर, इतने सौम्य, इतने जेंटल लगते हैं कि पहली नज़र में हम सब कह लेते हैं इतना अच्छा आदमी कहीं नहीं मिल पाएगा। ये कहीं हमारी नज़र की चूक भी होती है, पर फिर जब हम उनके संपर्क में रहते हैं तो उनकी यथास्थिति पता चल जाती है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप अंदर की दुनिया में गए तो भैया किस रूट से गए? या तो फिर मैं आपको प्रमाण दूंगा, गवाही दे दूंगा, साक्षी दे दूंगा, चलो गोष्ठी हो जाए। जब भी कोई महापुरुष मुझे मिलता है, गुरुजन मिलते हैं, तो मैं उनसे ये बात थोड़ी पूछता हूँ कि रामायण के किस कांड में ये शब्द लिखा है, ये चौपाई लिखी, ये तो मेमोरी की परीक्षा है। मैं उनसे सीधी एक सहज बात पूछता हूँ कि अपने गंतव्य को प्राप्त कर चुके हो, उस अनंत की प्राप्ति में समा चुके हो? कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। वो कहता है हाँ। तो फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि अपने गंतव्य की प्राप्ति तुमने किस सूत्र से की, रास्ता बोलो। दिल्ली गए भाई, बाई एयर गए, बाई फीट गए, बाई ट्रेन गए, बताओ कौन कौन से मुकाम रास्ते में आए। काफी लोग हैं जो पढ़ लिख करके अपनी बात को रखते हैं, पर जो रियल को जानने वाला है वो धोखे में नहीं रह सकता है। मुझसे एक श्रोता ने आस्था में प्रोग्राम सुनने के बाद पूछा कि आपकी अनुभूतियां अपनी या कबीर साहब की बातें बोल रहे हो आप? मैंने कहा ये अंदाज तुम खुद लगा लो, ये अंदाज खुद लगा लो, तुम्हारा अंतःकरण भी तुम्हें कुछ प्रेरणा देगा। निज मुख अपनी महिमा गाई, इंद्र होए महिमा घट जाई। अच्छा जी, उससे मैंने पूछा, कहने लगा मुझे सदगुरु ने पार किया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, सदगुरु ने तुम्हें अपने अमर धाम की तरफ तुम्हें ले गया, थोड़ा विवरण बताओ किस किस तरह से ले गए, सदगुरु का क्या रूप था, आपका क्या रूप था? मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, उस समय आप कैसे थे, सदगुरु कैसा था? सबसे पहली बात तो ये है, उस सज्जन को इन मुद्राओं का पूरा पूरा इल्म नहीं था, पर जरूर उसके पास कुछ अनुभूतियां थी, पर अनुभूतियां छोटी सी वो संभाल नहीं पा रहा था। वो बहुत प्रसन्न था, उसने सोचा शायद मैं अंतिम पराकाष्ठा की प्राप्ति कर चुका हूं। आमतौर पर जब अंदर की दुनिया में लोग जाते हैं तो कुछ आंतरिक खेल दुनिया से निराले हैं, कुछ प्रकाश अद्भुत हैं, कुछ लोक लोकांतर ब्रह्मांड के अंदर अद्भुत है, तो वो उन चीज़ों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, सोचते हैं जहाँ मैं पहुँचा हूँ दुनिया का कोई आदमी भी नहीं रहता वहाँ पहुँचा है। अब सज्जन को मैं कह रहा था, थोड़ा पहले सिलसिले से बातचीत करते हैं, थोड़ा बोल करके रुको, फिर मुझे भी मौका दो ना कुछ पूछने का। वो उत्साह में केवल बोले जा रहा है, केवल बोले जा रहा है, और बीच में जब मैं उससे कुछ पूछूं तो रुक ही नहीं रहा था, बोले ही जा रहा था। जब भी हम अंदर की दुनिया में जाते हैं तो उसका एक सीक्वेंस है, एक तरीका है, ये सब तरीके भी वर्णित हैं, लेकिन अगर कोई आदमी बिना अंदर गए उन तरीकों का वर्णन करता है तो वो पकड़ा जाएगा। और आमतौर पर जब मैं देख रहा हूँ कुछ मतपतांतरों से जुड़े हुए लोग अंदर की दुनिया में गए नहीं है, पर जब वो गोष्ठियाँ सत्संग करते हैं, शब्दों को लेकर साहेब के या महापुरुषों के, पलटू साहेब के, इतने भरोसे से कहते हैं, दूसरे आदमी पर एक प्रभाव डाल देते हैं कि सच में हम अंदर की दुनिया को घूमे हुए हैं। सच ये है कि वो अंदर की दुनिया को बिल्कुल भी नहीं जानते। भाई अंदर की दुनिया में जाने के कुछ तौर तरीके हैं, कुछ सिस्टम है। एरोप्लेन में बैठकर यात्रा करता है तो उसका उस यात्रा में थोड़ी एक्टिविटीज अलग है,
बस में बैठे हैं तो अलग चीज़ है, रेलगाड़ी में आप यात्रा कर रहे हैं तो धक्के बस वाले नहीं लगते हैं, लेकिन जब ट्रेन में आप यात्रा करते हैं तो ट्रेन का एक मूवमेंट अलग है, उसके जो स्प्रिंग्स डब्बों को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं वो आपस में इंटैक्ट होते रहते हैं, तो एक झटका लगता है लेकिन काफ़ी शिष्ट झटका है वो। जब हम बसों में यात्रा करते हैं तो कभी कभी बड़े झटके लग जाते हैं, झटके वो जेंटल नहीं होते, बहुत तेज़ लग जाते हैं, कभी कभी कोई ब्रेकर आया ड्राइवर ने नहीं देखा, लेकिन ट्रेनों में जब हम यात्रा करते हैं तो कम से कम ऐसे नहीं होता है, कहीं खड्डा आ गया बस में तो वो भी उसमें हम यात्रा कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हमारे शरीर में मूवमेंट तो होती रहती है। और इससे परे हटकर जब हम प्लेन में यात्रा करते हैं तो उस यात्रा का कुछ अलग ही अनुभव होता है, तो जो यात्राएं किए हुए हैं वो कई चीज़ों से जान जाते हैं कि भाई ट्रेन की यात्रा में क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हमें लगता है। जब भी आदमी अंदर की दुनिया में जाता है तो अंदर की दुनिया में जाता ही तीन तरीके से है, मीन पपील विहंगम। मैंने इन तीनों तरीकों का कई बार बताया हुआ है। मीन मार्ग से साधक जाता है तब क्या अवस्था बनती है, पपील मार्ग से जब साधक अंदर की दुनिया में जाता है तो प्री स्टेजेस क्या होती है। धक्कम पेली में गोष्ठी की जाए अच्छी बात नहीं है, वो सिक्योन्स से चले तो बहुत अच्छा है। तो एक तो उसको ये नहीं फॉर्मल तरीका मालूम था कि मैंने थोड़ी बहुत जो अनुभूति की वो कौन सा मार्ग था, अपने दिल में वो भरोसा करके बैठा था मैं अपने गंतव्य तक पहुंच चुका हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूं, सच ये था। आगे सुनना, वो उतना परिपक्व साधक नहीं था, हाँ थोड़ा बहुत उसने अपने में प्रकाश देख लिया था, थोड़ी और चीज़ें देखी थी, बस वो कह रहा था दसवां भी खुल गया ग्यारहवां भी खुल गया और मैं पूरे ब्रह्मांड में होकर के आया हूँ, और अभी भी मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं अभी भी शरीर से थोड़ा बाहर हूँ, हमेशा बाहर रहता हूँ, मैं अंदर भी नहीं आता हूँ, पिंड ब्रह्मांड के बाहर में रहता हूँ। पर सच ये नहीं था। हम देखते हैं जब भी साधक अंदर की दुनिया में यात्रा करता है सबसे पहली मुख्य बात होती है कि हमें इस जागृत अवस्था से निकलना होता है। जब तक हम फोर्थ स्टेज ऑफ द कॉन्शियस में नहीं पहुंचते हैं हम अंदर का सफर ही नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें चलने के लिए टांगों का सहयोग चाहिए, टांगों के बिना हम नहीं चल सकते हैं। इस तरह अंदर की यात्रा तीन मार्गों से होती है। हमें प्रज्ञावस्था में जाने की आवश्यकता पड़ेगी, बिना प्रज्ञावस्था में गए हम आंतरिक जगत में नहीं जा सकते हैं। अब यह प्रज्ञावस्था में साधक कैसे गया, किस मुद्रा द्वारा वो प्रज्ञावस्था में जा रहा है, भूसरी द्वारा, चाशरी द्वारा, खेसरी द्वारा, उन्मुनी द्वारा या अगोचरी द्वारा, ये पांच आयाम हैं। भूसरी, चाशरी, उन्मुनी, अगोचरी और खेसरी पंच मुद्राएं हैं, उनमें कहां कहां तक पहुंचेगा ये अलग विषय है। आपको ध्यान होगा मैंने कई बार इन पंच मुद्राओं पर बात बोली है। भारतवर्ष में जितने भी मतमतांतर हैं पंच मुद्राओं के इर्द गिर्द रहे, और पंच मुद्राएं महाशून्य से बाहर नहीं ले जा सकती हैं किसी भी कीमत में। साहब ने इसका निरूपण अपनी वाणी में पंच मुद्राओं में स्पष्ट किया है। खेसरी, भूसरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, पांचों मुद्राओं का उल्लेख साहब ने वाणी में किया। जब भी साधक इंडा पिंगला को लय करता है कुछ तो तीसरे तिल में ही अपना ध्यान रोक लेते हैं, वो प्रकाश से आगे नहीं जा सकते हैं। कुछ भूसरी मुद्रा में जाकर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं, मोमेंट्स वो भी देखते हैं, वहां पर वो एकाग्र हो जाते हैं काफी। और कुछ
अगोचरी में चले जाते हैं, वो भी इंडिया पिंगला को लय कर देते हैं और बंकनाल में जाकर कंसंट्रेट हो जाते हैं, कुछ अनुभूतियां वो भी कर लेते हैं, पर वो महाशून्य तक जाते हैं मीन मार्ग द्वारा। कुछ खेसरी में जाते हैं, इंडा पिंगला में को लय करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश ले लेते हैं और दशम द्वार को खोल लेते हैं। कुछ उन्मुनि में जाते हैं, ये सब अलग अलग मत हैं। जैसे कोई ग्रेजुएशन किया, किसी ने आर्ट्स से की, किसी ने कॉमर्स से की, किसी ने बायो से की, किसी ने नॉन मेडिकल से की, इसी प्रकार से। और पर ये विहंगम चाल नहीं है, ये विहंगम चाल नहीं है। मैंने उससे पूछा मन किस अवस्था तक साथ चलता है, बोला जब हम निकल गए तो मन नहीं है फिर। मैंने कहा नहीं भाई, मन तो बड़ी दूर तक चलता है साथ में। मैं जान लिया कि ये आदमी परिपक्व साधक नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत कुछ इसे मिल चुका है इससे संतुष्ट ज्यादा हो गया है। इस पर साहिब वाणी में कह रहे हैं, कोई कोई पहुंचा ब्रह्म लोक तक धर्माया ले आई। कुछ कुछ साधक कुछ कुछ अनुभूतियां कर लेते हैं और उनको यह अहंकार हो जाता है कि हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर चुके हैं शायद। तो भाइयों, इस तरह साधक ब्रह्मांड तक की यात्राएं करता है। क्या इस अवस्था में गुरु साथ में होता है? पहली बात यह उठी कि जो साधक पंच मुद्राओं में आगे जा रहा है, क्या इस अवस्था में गुरु साथ होता है? क्या उनके साथ में गुरु की सत्ता थी? अगर गुरु साथ में था तो गुरु का स्वरूप कैसा था? यहां पर यह जानना नितांत आवश्यक है। गोष्ठियां इस बात की होती है, पर साहब तो एक ही बात बोल रहे हैं, चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, वो आदमी अटक गया। और आप मानेंगे उसने उसी दिन फिर मुझसे दीक्षा भी ले ली। जब उसकी मेरी गोष्ठी हुई फिर उस दिन मुझसे दीक्षा भी ले ली उसने। नाम गुरु का ले सत्संगी जीते सारी उमरिया, नाम के रंग में रंग लेते हैं सतरंगी ये चुनरिया, बाधा उनके पास न आए जग माया उन्हें फांस न पाए। सुमिरत बीते उमरिया, नाम गुरु का तुले मन रंगी।